अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया से आपके साथ रबते में। कल से बल्कि आज से जिस तरह है बाकायदा डेली हफ्ता एतवार लाइब्रेरी को छुट्टी होती है, शायद मैं ना आया करूं, तो मैं 10 बजे लाइब्रेरी खुलती है, 7 बजे क्लोज होती है। ये मेरे पीछे लाइब्रेरी है म्यूज़ियम के बिल्कुल उसकी पछाड़ में, और 7 बजे तक मैं इधर होता हूँ, मैं उधर किताबें पढ़ता हूँ और उन किताबों के रेफरेंस से अपने मेरे तजर्बात की बुनियाद पर मैं सुबह आने से पहले लाइब्रेरी सबसे पहले गुज़श्ता दिन का के बारे में वीलॉग किया करूँगा। आज कल मैंने जो किताब पढ़ी वो था फिलोसफर्स बिहेविंग बैडली, बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं, रॉजर नाइल समथिंग की है। मैं कमेंट सेक्शन में इसका लगा दूंगा बकायदा एडिटर्स नेम एंड द टाइटल ऑफ द बुक, फिलोसफर्स बिहेविंग बैडली। आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, ऑनलाइन भी शायद मिल जाएगी। ये वो नुक्ता है जिस पे मैं अक्सर अपना बात करता हूँ, ये वो नुक्ता है जिस पे मैं कहता हूँ कि सिर्फ दो शख्सियात, पैगंबर, अब कन्फ्यूशियस का तो पता नहीं पैगंबर था कौन था, कन्फ्यूशियस एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो ये शख्सियात थी जिन्होंने अमल से अपनी थिंकिंग को प्रूव करने की कोशिश की। कुरान पाक देयरफॉर बार बार उस्वाए हसना का तस्करा हुआ, ठीक है जी, जिस पे उनके वसाल के बाद बिल्कुल अमल नहीं हुआ और इस्लाम ऑलमोस्ट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल फेवर, ठीक है ना जी। ये किताब बहुत अच्छी है, उसने 7-8 फिलोसफर्स पिक किए हैं जिनकी अपनी लाइफ बहुत गलीज थी, उसके बरक्स थी जो वो फिलोसफी का प्रचार कर रहे थे। ये तीनों फिलोसफर्स मेरे बहुत पसंदीदा है, मैं अभी भी उनको बहुत इज्जत व एहतराम की नज़र से देखता हूँ, स्पेशली जीन पॉल सात्रे, ठीक है जी। उसने नीत्शे, जीन पॉल सात्रे और बर्टन्ड रसल का तस्करा किया है। तीनों इनफैक्ट तीनों ने अपनी डोमेस्टिक लाइफ बहुत बेहूदगी की गुजारी, स्पेशली जीन पॉल सात्रे और बर्टन्ड रसल ने अफेयर्स विद द वेमेन ऑफ लूज करेक्टर या ठीक थी, बच्चों को रोल दिया, फेलिस की बीमारियां लगी दोनों को, ठीक है ना जी। नीत्शे ऑल्सो लिव्ड अ लोनली लाइफ एंड नीत्शे इज अ मैन हु सेड गॉड इज डेड, ठीक है, मैं भी कहता हूँ नहनु अकरब केंदा केंदा साडे वेड़े आया, हबलल वरीद दी सेज सजा के मन विच साडे डेरा लाया, मैं भी कहता हूँ गॉड इज डेड, लेकिन वो उसे क्वालिफाई नहीं कर सका वन एग्जैक्ट टर्म्स में। उसने ये जरूर कहा कि क्राइस्ट भी एक आम आदमी था जिसने जो लेवल पे रीच कर गया, उसको क्रूसेड पे चढ़ा दिया गया, वो खुद चढ़ गया, बट ही विल नेवर अटोन फॉर योर सिंस, उसने साफ साफ कहा। उसने मेरी तरह सुकरात को बहुत अप्रिशिएट किया, उसने एक बहुत अच्छी इस किताब में बात की नीत्शे के हवाले से, कि नीत्शे ने कहा कि सुकरात तक मामला ठीक चल रहे थे लेकिन प्लेटो डर गया सुकरात से, सुकरात को जो जहर पिलाया गया सारे डर गए, प्लेटो ऐसा डरा कि उसने फिर एरिस्टोटल एक कंडीशनिंग माहौल में आ गई, डायजनीज उसको चैलेंज करता था, जीनो उसको चैलेंज करता था, मंसूर हलाज को जो फांसी दी गई कत्ल किया गया बेमाना तौर तरीके से, मंसूर हलाज ने इस्लाम में फ्री थिंकिंग, उस कत्ल से डर गए सारे मुसलमान। आज भी मैं अगर मंसूर हलाज को अपना हीरो मानता हूँ तो बहुत सारे मुस्लिम और नज़र साहब अपना ख्याल रखना, सरमद ने भी जान उसी सिलसिले में दी। बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़िए। मेरा इस पे ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं क्रिटिक दिया करूँगा इस बारे में। राइटर ने कोशिश की है कि ये प्रूव करे कि ये कहाँ आके मामला फंस गया है कि उनके अपने माल वो खुद तो वो चीज़ें कर नहीं सके जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं, या वो चीज़ें हैं ही नहीं। जीन पॉल सात्रे अगर एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्योरी पे बिलीव करता है और कहता है कि चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो उसका जो बिहेवियर अल्बर्ट कैमस के साथ रहा, अल्बर्ट कैमस के खिलाफ उसने इतनी कैंपेन की, वो बेचारा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मरा तो जाके जीन पॉल सात्रे ने उसके कसीदे पढ़ने शुरू किए, और उसका अपनी वो जो औरत के साथ, वो जो फिलोसफर औरत थी बेवर, उसके साथ जो उसके ताल्लुकात थे। मैं
इधर एक बात कहूँगा, बर्टन्ड रसल का ख़ास तौर पे, उसकी मैरिज एंड मॉरल्स मैंने तब पढ़ी थी जब मैं 20 साल की उम्र का था, एंड आई लाइक इट। उसकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई थी कि मैरिज इफ इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो लाइक एनी अदर सिविल कॉन्ट्रैक्ट, पहले आप बिल्डिंग देखते हैं उधर, बल्कि रह के भी देखते हैं या कोई अंदर से देखते हैं, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इधर बिल्कुल आप ब्लाइंडली यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इन तीनों आदमियों ने, नीत्शे ने नहीं लेकिन जीन पॉल सार्त्रे और बर्टन्ड रसल ने तो इंतहा कर दी औरतों पर जुल्म और सितम की और अपनी वेमनाइजेशन की। आई मस्ट से दैट वाज टू बैड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका औरतों के सिलसिले में शादियों पर ये बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस तरह निकाह से किया और फिर बाकायदा राइट्स दिए। नीत्शे कहता था कि इंसान को सिंगल रहना बहुत बेहतर है, अगर वो बल्कि सॉरी मैं इसको दाता साहब के साथ रिलेट करता हूँ, दाता साहब नेवर मैरिड, उनका आजकल उर्स है, उन्होंने कहा था वो सिंगल रहे, उन्होंने कहा था कि सेलिबसी जैसे प्रीस्ट के लिए क्रिश्चियन वर्ड में आया कि बहुत आला है, अगर आपको कोई पार्टनर अच्छा मिलता है और आप उससे सोल जैसे कि वो शाह हुसैन का, ठीक है माधो लाल हुसैन, अगर आपको माधो मिल जाता है, अगर आपको अपना स्पिरिचुअल पार्टनर मिल जाता है तो इट्स ओके, अदरवाइज इट्स नॉट, ठीक है ना जी। तो दैट्स वेरी गुड, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। आई लव सॉलिट्यूड, आई लव लोनली लाइफ, आई लव इंडिपेंडेंट लाइफ। क्या खूबसूरत ये मेरे पीछे आप नज़ारे देख रहे हैं, लाइब्रेरी, मैंने कोई अमरीका में 100 लाइब्रेरियाँ विजिट की हैं, बैठा हूँ उधर पढ़ा हूँ। पिट्सबर्ग की ये कार्नेज लाइब्रेरी आई फाउंड टू बी द टॉप लाइब्रेरी, और मैंने क्यों पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में रहने का प्रोग्राम बनाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी, द नेचुरल ब्यूटी, या कॉल जो आपको आती है, उस वजह से इस किताब को ज़रूर देखें। और मैं कहता हूँ कि उन तीनों फिलोसफर्स ने गुथियाँ बहुत सारी सुलझाई हैं, क्योंकि उनके इमाल कमेंशरेट नहीं करते थे उससे, इसका ये मतलब नहीं व्हाट दे सेड वाज रॉन्ग, ठीक है, मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कन्फ्यूशियस के लेवल पर वो नहीं पहुंचे जिन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, प्रैग्मेटिकली सॉल्यूशन उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का। और कुरान पाक की आयत मैं अक्सर कोट करता हूँ, कबूरा मक्तन इंदल्लाही अंतकूलू माला तफालून, अल्लाह ताला के नज़दीक वो लोग बहुत बुरे हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये मुनाफ़कत है, ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये कुतपना है, ये हरामजदगी है। अपना बहुत ख्याल रखें, कल तक के लिए इजाज़त अल्लाह ने के।